हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पिनिच कॉर्न सैंडविच। इसके लिए हमने पालक ले ली है, उसको हमने ब्लांच कर लिया है, बॉईल कर लिया थोड़ा सा। और ये स्वीट कॉर्न है, इसको भी हमने गर्म पानी में भिगो के रख लिया था। और ये हरा प्याज है थोड़ा सा। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे व्हाइट सॉस। पैन चढ़ा दिया हमने, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। मक्खन को मेल्ट होने देते हैं, साथ में हम इसमें डाल देंगे हमारा ये हरा प्याज। अगर आप प्याज वगैरह नहीं खाते हैं तो इस यहाँ पे ये प्याज जाने दें। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस हल्का सा इसको चलाएंगे। 1 चम्मच मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। व्हाइट सॉस बनाएंगे हम इसमें। प्याजों के साथ साथ मैदे को भी भून लेते हैं। देखिए मैदा भी हमारा भून गया। इसको चलाते हुए 1/2 गिलास दूध डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको। व्हाइट सॉस बन गई हमारी। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी 1/4 चम्मच नमक। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। और हम इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे चीज। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चीज। जो क्यूब वाला चीज होता है इसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी ये ब्लांच की हुई स्पिनिच, जिसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेते हैं। और साथ में हम ये डाल देंगे हमारे स्वीट कॉर्न। ये देखिए, ये हमारा सैंडविच का मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। चलिए सैंडविच बना लेते हैं। ये हमने ब्रेड के साइड्स को काट लिया है ताकि थोड़ा क्लीन लगे हमारा सैंडविच। आप चाहें तो इसमें बटर लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन हमने जब सॉस बनाई है तो इसमें बटर डाल दिया 1 चम्मच, तो मैं नहीं डाल रही हूँ अभी इसमें कुछ। ज़्यादातर बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से आप उन्हें सैंडविच वगैरह में डाल के दें अगर, तो वो बहुत पसंद करेंगे और मन से खा लेंगे। बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनके तैयार होते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। बहुत ही बढ़िया से हमारे स्पिनिच कॉर्न सैंडविच बनके तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।